भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोती ले रहेगी। सेंट्रल पीठ में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हुई झड़प, दोनों ओर से हुई पत्थरबाजी। घटना के बाद इलाके में बढ़ा तनाव, पुलिस अधिकारियों ने खदेड़ कर स्थिति को किया नियंत्रण। बेगाबाद थाना क्षेत्र से 6 साइबर अपराधी को दबोचने में पुलिस ने पाई सफलता। 11 मोबाइल, 15 सिम और कई सामान किया गया बरामद। SP को मिली गुप्त सूचना के बाद की गई कार्रवाई। सरकारी विद्यालयों में उपस्थिति बढ़ाने को लेकर जिले भर में आज से शुरू हुआ अनूठी पहल, सीटी बचाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान। DC और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बंगाली मध्य विद्यालय मगतपुर से की इसकी शुरुआत। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग इंटर कॉलेज त्रिदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ विधिवत शुभारंभ। गिरिड कॉलेज कर रही है इसकी मेजबानी। पहले दिन कई अतिथि और अवकाश प्राप्त प्रोफेसर हुए शामिल। क्रिकेट को लेकर देखा गया गजब का उत्साह। और झामुमो जिला कार्यालय में दिसोम गुरु सिबू सोरेन की मनाई गई जन्मदिन। पूर्व विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद समेत कई नेता व कार्यकर्ता रहे मौजूद। तमाम लोगों ने उत्साह के साथ केक काट कर किया जन्मदिन सेलिब्रेट। अब खबरें विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेंट्रल पीठ में गुरुवार रात को दुर्गा मंडप के समीप एक युवक मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी को लेकर दो पक्षों में पथराव हो गया। इस घटना को लेकर SDPO अनिल सिंह सदल बल के साथ पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेंट्रल पीठ में गुरुवार को दो पक्षों के बीच मामूली बात को लेकर हुए विवाद के बाद पथराव हो गया। घटना के बाद इलाके में तनाव होने लगा, लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी पुलिस पदाधिकारियों को मिली तो पूरी पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर पथराव कर रहे दोनों पक्ष के लोगों को खदेड़ कर भगाया। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि सेंट्रल पीठ में बुधवार की रात को दुर्गा मंडप के समीप एक युवक मोबाइल पर बात कर रहा था। इसी बीच कुछ युवकों ने उस युवक को मोबाइल पर बातचीत करने से मना कर दिया। इसी बात को लेकर फिर से स्कॉर्पियो पर सवार होकर कुछ युवक मौके पर पहुंचे और फोन पर बात करने से मना करने वाले युवक को उठाकर ले गए। इसी के बाद मामला बढ़ गया। इसी विवाद को लेकर गुरुवार को पंचायत होने वाली थी और पंचायत के दौरान ही अचानक दोनों पक्ष के लोगों के बीच पथराव शुरू हो गया। मौके पर SDPO अनिल सिंह, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह पूरे फोर्स के साथ पहुंच कर स्थिति को नियंत्रित किया। इस बाबत SDPO अनिल सिंह ने कहा कि दो पक्षों के विवाद के बाद मामला बिगड़ा था, जिसे संभाल लिया गया है और इलाके में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। देखिए, ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र का सेंट्रल पिट एरिया है जो पंचायत भवन के पास है। यहाँ कल रात्रि में एक सिकवा मियाँ है, उसका बेटा का ताज था। यहाँ मंदिर दुर्गा मंडप के पास कहीं बाहर में कहीं बात कर रहा था, उसी समय धनीपुरी आया और दोनों में किसी बात को लेकर के बहस हुई और बात ख़त्म हो गई थी। लेकिन आज सुबह में सिकवा मियाँ का बेटा ताज और कलाम अपने कुछ साथियों के साथ गुड़िया खाद से लेकर के आए थे और यहाँ धनीपुरी को पकड़ कर झगड़ा कर रहे थे। उसी दौरान दोनों तरफ से लोग जुट गए थे, दूसरे पर एक का टुकड़ा जो यहाँ रोड बन रहा है फेंके थे, तो पुलिस को सूचना मिल गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। सुबह में लगभग 6 बजे धनुतुरी मेरे घर पर आया और आ करके बोला कि रात में कुछ महावडन लड़का लोग दुर्गा मंडप के समीप जो है से आ करके फोन से बात कर रहा था और बात करने के क्रम में हमने उससे पूछा कि इतना रात को तुम क्या कर रहा है, तो उसी में वो अभद्र मैंने गाली दिया उसको, उसी में जो है सो पूरी उसको एक झपड़ मार दिया और मार देने के माहौल यहाँ थोड़ा सा गर्म है, तो हम उसी में बोले हम लोग कि सो इस माहौल गर्म में पंचायती नहीं हो पाएगा, अभी तुम लोग सब अपना अपना घर जा और हम लोग समय निश्चित करके दोनों का फैसला हम लोग
कर देंगे कि क्या मामला है। बस इतना ही हम लोग बॉल करके हम लोग यहीं खड़े थे, उसी में इधर से भी दो लड़का दौड़ा, उसके पीछे चार लड़का दौड़ा। वहाँ पर इस्लामी चौक में एक लड़का था और उसी में हाथापाई हुआ, दोनों तरफ से पत्थरबाजी होने लगा और मोमेंट जो है हम लोग के हाथ से बाहर हो गया। पत्थरबाजी में कोई घायल भी है? हाँ, कुछ घायल आया है लेकिन वो अभी चला गया है इलाज के लिए, अभी तो नाम सामने नहीं आ पा रहा उसका। और कितने लोग घायल हैं? एक आगे होगा, पत्थरबाजी जैसे हुआ हम लोग सब अलर्ट कर दिए, सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ थे, हम लोग तुरंत लेकर के मंटी यादव था, विजय यादव भी है, उधर से भी ताजुद्दीन सब था, सब मिल करके मोमेंट को हम लोग संभाले, दोनों साइड से अलग अलग करने का प्रयास किया, पत्थर इसमें चल रहा था हम लोग तुरंत प्रशासन को फोन किए, प्रशासन ने आकर के मामला को यहाँ पर संभाला। तो इसमें किसी को चिन्हित किया गया, कौन कौन था जो? देखिए चिन्हित तो किया जा रहा है, जो दोषी है वो जाएगा जो। पुलिस उप अधीक्षक साइबर संदीप सुमन के नेतृत्व में टीम गठित कर गुरुवार को मेंगाबाद थाना क्षेत्र से 6 साइबर अपराधियों को धर दबोचा है। बताया जाता है यह सभी अपराधी एयरटेल पेमेंट बैंक के कर्मी बनकर लोगों को झांसा देकर ठगी करने का काम करते हैं। मेंगाबाद थाना क्षेत्र से 6 साइबर अपराधी धरे गए। गुरुवार को सभी को सिविल कोर्ट में पेश कर गिरिडीह जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपियों का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। बताया गया कि पुलिस कप्तान को सूचना मिली कि कुछ साइबर अपराधी फर्जी सिम का प्रयोग करते हुए आगे लोगों से ठगी कर रहे हैं। उपरोक्त के आधार पर पुलिस अधीक्षक साइबर संदीप सुमन के नेतृत्व में टीम गठित कर थाना प्रभारी अजय कुमार, SI श्याम बाबू राठौर, गौरव कुमार, ASI संजय मुखियार, गजेंद्र कुमार, आरक्षी साकेत वर्मा, सौरभ सुमन, जितेंद्र नाथ महतो, हवलदार सुरेश यादव आदि के सहयोग से छापेमारी करते हुए बेंगाबाद के अलग अलग स्थानों से कुल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों में चितमाडी के फिरोज अंसारी, नारायणपुर के अनिल कुमार मंडल, गप्पे के बबलू कुमार, चुंगलो के आशीष मंडल, भरखट्टा के बंटी कुमार और अंकित कुमार को पकड़ा गया। इनके पास से 11 मोबाइल, 15 सिम, 4 ATM कार्ड, 3 पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि बरामद किया गया। इस बाबत पुलिस कप्तान ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने स्वीकार बयान में बताया कि वे साइबर ठगी करने हेतु एयरटेल पेमेंट बैंक के कर्मी बनकर लोगों को झांसे में लेकर OTP प्राप्त कर उनसे पैसे ठगी करते हैं। अबुआ आवास के सत्यापन को लेकर प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी और BDO ने गुरुवार को फुलझरिया व अन्य पंचायत का निरीक्षण किया। इस दौरान वह खुद लाभुकों के घर जाकर भौतिक सत्यापन किए और कई निर्देश भी दिए। प्रशिक्षु IAS दीपेश कुमारी ने गुरुवार को अबुआ आवास लाभुकों के सत्यापन को लेकर फुलझरिया व अन्य पंचायतों का निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने पंचायत का दौरा कर गोरियात गांव समेत इस पंचायत अंतर्गत विभिन्न गांव में जांच टीम के द्वारा चयनित लाभुकों का घर घर जाकर भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान कोरियात गांव में एक योग्य लाभुक का नाम योग्य सूची में नहीं रहने का मामला भी सामने आया, जिसको लेकर प्रशिक्षु IAS द्वारा युक्त पंचायत के जांच टीम से संबंध सवाल जवाब भी तलब किया गया एवं साथ ही उन्होंने जांच टीम को इस पर सकारात्मक पहल करते हुए समस्या के त्वरित समाधान संबंधित प्रक्रिया से गुजरने का निर्देश दिया। साथ ही योग्य लाभुकों का नाम योग्य सूची में हर हाल में दर्ज करने व अयोग्य लाभुक का नाम हटाने को लेकर जांच टीम को निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में मौके पर प्रशिक्षु IAS के साथ BDO निशांत अंजुम, CO मनोज कुमार सहित पंचायत जांच टीम के सदस्य मुखिया मोहम्मद इस्माइल अंसारी, पंचायत समिति सदस्य शंकर सिंह, पंचायत सचिव रोजगार सेवक व कई अन्य कर्मी व स्थानीय ग्रामीण मौजूद। बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में गुरुवार को विद्यालय परिसर में DC, DEO, SDPO व DSC प्रधानाध्यापक और अन्य शिक्षकों ने सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। बताया गया कि यह एक अनूठी पहल है जो स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाएगी। मगधपुर स्थित बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में गुरुवार को सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई। विद्यालय परिसर से DC NP लकड़ा, DEO नीलम आइलैंड टोपो, DSE विनय कुमार सिंह, ADPO अभिनव कुमार, प्रधानाध्यापिका एकता प्रेरणा और अन्य शिक्षकों सीटी बजाकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उपायुक्त ने विद्यालय के छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन किया।
बताते चले कि झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने को लेकर सीटी बजाओ उपस्थित बढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई है। जिले के सभी सरकारी 3158 विद्यालयों में छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़ाने, उन्हें प्रतिदिन समय पर विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आज से यह अनूठी पहल शुरू किया गया। डीसी श्री लकड़ा ने बताया कि जिले भर के विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से इस अभियान की शुरुआत की गई है। बच्चे स्कूल आते समय सीटी बजवाकर निकलेंगे। इस आवाज को सुनकर उनके मित्र और पड़ोस के बच्चे स्कूल जाने के लिए प्रेरित होंगे और स्कूल जाएंगे। कहा कि शिक्षक अभिभावक बैठक में उस शिक्षकों द्वारा अभिभावकों की काउंसलिंग की जाए कि वह प्रतिदिन बच्चों को विद्यालय समय पर भेजे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस अनूठी पहल को कारगर तरीके से जनप्रतिनिधियों, पंचायती राज संस्थाओं, अभिभावकों एवं शिक्षकों के भागीदारी से निश्चित रूप से विद्यालय की उपस्थिति बढ़ेगी। स्कूली शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीटी बजाओ विद्यालय आओ उपस्थिति बढ़ाओ महाअभियान के अंतर्गत हम लोग आज बंगाली बालिका मध्य विद्यालय में आए हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी बच्चे हमारे 2158 स्कूल में नामांकित हैं प्रत्येक स्कूलों में और जहाँ की उपस्थिति बच्चों की कम हो रही है उसमें हम लोग जाएँ और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग अपील करना चाहते हैं कि ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जितने भी शिक्षक और जितने भी विभिन्न कर्मी हैं वो बच्चों को आने के लिए प्रेरित करें। और सीटी बजाओ का मूल उद्देश्य ये है कि जिस भी पोषक क्षेत्र से, जिस घर से, मोहल्ले से, गांव से, ग्राम से बच्चे आते हैं तो वहाँ पे सीटी बजाते हुए अपने मित्रों को, अपने आसपास के, अपने पड़ोस के बच्चों को भी स्कूल आने के लिए मोटिवेट करें। और हम लोगों का जो नेट एनरोलमेंट रेशियो का एक इंडिकेटर रहता है, हम लोग ये आशा करते हैं कि इसमें बढ़ोतरी होगी। और हम लोगों ने ये भी मैसेज दिया है कि विषम परिस्थितियाँ हो सकती हैं लेकिन विषम परिस्थिति में ही जो तबके आगे बढ़ता है उसको और बेहतर सफलता हासिल होती है। तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से चाहेंगे कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, क्योंकि हम लोग आज सांकेतिक तौर पर एक स्कूल आए हैं और ये जो मैसेज है ये हमारे सभी 344 पंचायत के 2158 स्कूलों में जाना है। हमारे विद्यालय में राज्यव्यापी आंदोलन सीटी बजाओ अभियान का शुरुआत किया गया और हमारे शहर के डीसी साहब यहाँ इस अभियान के लिए मुख्य रूप से हमारे विद्यालय के प्रांगण में आए, साथ में डीएससी, डीओ, विभिन्न अधिकारीगण आए। हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही गौरवमयी क्षण है कि हमारे विद्यालय को इस उत्कृष्ट अभियान की शुरुआत के लिए चुना गया। हम सभी का धन्यवाद अदा करते हैं और सभी बच्चों को आग्रह करते हैं वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्कूल आए और लगातार अपनी उपस्थिति बनाए। झामुमो जिला कार्यालय में गुरुवार को दिसोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में गुरुवार को दिसोम गुरु शिबू सोरेन का 80वां जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान गांधी के पूर्व विधायक सरफराज अहमद समेत कई लोगों ने, झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में केक काटकर और दिशोम गुरु के चित्र पर तिलक लगाकर उनके लंबी उम्र और अच्छी सेहत की कामना की। साथ ही शिबू सोरेन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति को बढ़ाने को लेकर माथाडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका सीएम एक्सलेंस विद्यालय में सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और स्कूलों में उपस्थिति बढ़ाने का संदेश दिया। माथाडीह स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका सीएम एक्सलेंस विद्यालय में गुरुवार को सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे पहले विद्यालय के सभी शिक्षकों और बालिकाओं ने सीटी बजाकर उपस्थिति बढ़ाने का संदेश दिया। बताया गया कि झारखंड राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के उद्देश्य से सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। बताया गया कि इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। सीटी की आवाज सुनते ही ज्यादा संख्या में छात्रा स्कूल पहुंचेगी। बताया गया कि उपस्थिति बढ़ाने का यह एक अनूठी पहल है। मौके पर वंदना सिन्हा, सरिता लकड़ा, यशमीन तनु मिश्रा, सुशील ओझा, सुमन झा, मीरा रजक, राकेश पाठक, केसरी नंदन, सुनील कुमार, सीमा मोरिया, रूपा कुमारी, रेखा कुमारी, अदिति विश्वास,
समेत सभी शिक्षक शिक्षिका उपस्थित थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो ड्राइविंग लाइसेंस, नो पेट्रोल, नो पोल्यूशन। वातावरण की स्वच्छता को देखते हुए लाल सन कंपनी में खासकर युवा विद्यार्थी और घरेलू महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण, मजबूत, टिकाऊ और बेहद आरामदायक होने के साथ लाजवाब डिजाइन और रंगों में बिना किसी अतिरिक्त खर्च के हर काम बनाया जाए। जी हाँ, 5-स्टार रेटिंग के साथ जलटेक इलेक्ट्रिक का स्कूटर अब आपके शहर गिरिडीह में है, जहाँ आपके लिए कोस्टा लीजेंड ट्रिक्स जैसे स्कूटर से आपका सफर होगा आसान। वहीं इस स्कूटर से सालाना 30,000 तक की करें बचत। हाई स्पीड रेंज में स्कूटर की ट्रेंटो मॉडल जिसमें 60 से 150 किमी की माइलेज के साथ डबल रिमोट रिवर्स गियर सेंसर और पार्किंग लॉक के साथ लैस। इतना ही नहीं, यहां आपको कमर्शियल व्हीकल, टोटो रिक्शा की संपूर्ण रेंज के साथ सेल्फ सर्विस और हर प्रकार के स्पेयर पार्ट भी उपलब्ध है। साथ ही बैटरी, मोटर, कंट्रोलर और चार्जर पर भी लंबी वारंटी के साथ धनतेरस और दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर ग्राहकों को किसी भी स्कूटर या टोटो रिक्शा खरीदने पर 2,500 रूपए तक की नगद छूट के साथ निश्चित उपहार भी दी जा रही है। तो सोचना कैसा, जल्दी करें अग्रिम बुकिंग के लिए। संपर्क करें हमारा पता लाल सन कंपनी, शिशु निकेतन स्कूल के सामने, एडवाइसी बीमा कनेक्ट ऑफिस, श्री बीबी लाल आवास, अर्गा घाट रोड, मगधपुर, गिरिडीह। दीपावली त्योहार में लाया है उपहार का सौगात भारतीय ऑटो। भारतीय ऑटो लेकर आया है सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला साथी ई रिक्शा, जो देती है एक बार चार्जिंग करने के बाद 150 किलोमीटर का माइलेज। वहीं जॉय ई बाइक यहां पर मिलेगा अद्भुत और आकर्षक के साथ बैटरी से चलने वाला स्कूटी और अधिक माइलेज देने वाला साथी ई रिक्शा भारत ई ऑटो इस दीपावली के त्योहार पर दे रहे हैं खरीदारी पर आकर्षक उपहार। साथ ही ई रिक्शा की खरीदारी पर मिलेगा एक कूपन जिसमें प्रथम प्राइस 165 लीटर का फ्रिज, वही द्वितीय पुरस्कार 32 इंच का एलईडी टीवी, वही तृतीय पुरस्कार 8 लोगों को डिनर सेट उपहार के तौर पर मिलेगा। वहीं जॉय ई बाइक स्कूटी खरीदारी पर 5,000 से 31,000 तक का मिल सकता है छूट। दोनों की खरीदारी पर नियम और शर्त लागू है, तो देर किस बात की, अभी पधारे। हमारा पता है पचम्बा मेन रोड, गोशाला मोहल्ला, गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर 7979723308 8102948227। अगर आप फैशनेबल कपड़ों के साथ श्रृंगार व मेकअप के सामानों की खरीदारी एक ही छत के नीचे करना चाहते हैं, तो बॉम्बे फैशन मार्ट एंड बॉम्बे मेकअप बाजार आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जी हाँ, यहाँ आपके लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर एवं युवतियों के लिए हर प्रकार के नए फैंसी कपड़े उपलब्ध है। साथ ही किचन के हर प्रकार का सामान, बच्चों के खिलौने, लेडीज सैंडल, पर्स, साइड बैग एवं कॉस्मेटिक के साथ चूड़ी, लहठी, मेकअप और प्लास्टिक का हर प्रकार का जरूरत का सामान यहां उपलब्ध है। पूजा धमाका ऑफर के तहत 1,000 की खरीद से लेकर 10,000 तक की खरीदारी पर आपको तरह तरह के निश्चित उपहार दी जा रही है। इस ऑफर का लाभ दीपावली तक आप ले सकते हैं, तो अब बिना देर के अभी पहुंचे। हमारा पता है बॉम्बे फैशन मार्ट एंड मेकअप बाजार, स्टेशन रोड, लाइन मस्जिद के सामने, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें, एक कपड़ों के दामों पर दो कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक,
तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारे श्री संजीव टेक्सटाइल बड़ा चौक गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन। अस्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी के बीच जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र्य हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर अफताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोड़ी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह। हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901, 6200242984। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, सुइटेड आउटजोन, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास, स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोदी लेदा गिरी। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रियाटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज, वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7008645619551525। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए
गिरिडीह में ही जेएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है, तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया, सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राधे स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा का जन्मदिन बनखंजो स्थित प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को मनाया गया। इस दौरान पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ कई संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। राधा स्वामी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा का जन्मदिन संगठन के बनखंजो स्थित प्रदेश कार्यालय में गुरुवार को मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीपक कुमार शर्मा आदि उपस्थित हुए। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में दिए गए चार पहिया वाहन की चाबी और चेक बॉन्ड का वितरण किया गया। बताया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भारत के सभी क्षेत्रों में कुल 350 चार पहिया वाहन संगठन की ओर से सहयोग व उपहार स्वरूप प्रदान किया गया है, जिसमें झारखंड के गिरिडीह जिला अंतर्गत 57 वाहन प्रदान किया गया। इसके पश्चात प्रदेश अध्यक्ष ने केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। संगठन के कई योजनाओं का संचालन पूरे भारत में सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, जिसमें मुख्य योजना कन्यादान योजना है। इस योजना में 0 से 18 साल की बच्चियों का नामांकन किया जाता है और 21 वर्ष में विवाह करने पर 1,00,000 नगद और विवाह सामग्री उपहार में दिया जाता है। इसके अलावा कई योजना है, जैसे वाहन योजना, शिक्षा योजना, आवास योजना, ऋण माफी योजना, छात्रवृत्ति योजना, संगठन सभी योजनाओं को धरातल पर लाई है और जरूरतमंदों को इसका लाभ दे रही है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के साथ दिए गए वाहनों के मालिक के साथ हजारीबाग जोन प्रभारी निरंजन मिश्रा, संथाल परगना प्रभारी जूली सिन्हा, गिरिडीह कार्यालय प्रभारी अमित कुमार, बेंगाबाद प्रखंड प्रभारी सह गांडे विधानसभा प्रभारी समीम अख्तर के साथ संगठन के झारखंड के राज्य के सभी जिले प्रखंड और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ कई संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम? मैं दीपक शर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष राधा स्वामी संगठन। आज जो यहाँ कार्यक्रम है वो हमारे जन्मदिन के अवसर पर 350 लोगों को जो कार्य उपहार दिया जा रहा था, उसमें से लगभग 50 कार्य गिरिडीह जिला का था, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना उनके जिले में ही आके ये उपहार दिया जाए। इसलिए आज ये प्रोग्राम है कि हमारे जो भी गिरिडीह जिला से जो हमारे कार के लाभुक हैं उनको उपहार के रूप में चाबी आज हमारे यहाँ से सौंपी जाए। राधा स्वामी संगठन गिरिडीह जिला में निरंतर आप लोगों को ज्ञात है कि अपने सेवा भाव से उत्कृष्ट कार्य कर रही है और उसी कार्य के दरमियान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में तकरीबन 350 वाहन जो है उपहार स्वरूप प्रदान किया गया। उसी उपलक्ष्य में आज गिरिडीह जिला में तकरीबन 57 वाहन जो है ग्रामीण व कर्मचारियों को जो है वितरण किया गया और स्वयं उपस्थित माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा सभी ग्रामीणों को चाबी सौंपने का कार्य किया गया। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम क्या है? आज जी का कार्यक्रम जो है सभी लाभुकों को वाहन का चाबी सौंपना, एक बेटी की विवाह सामग्री भी जो है कार्यालय से प्रदान किया जा रहा है जो कि आपके समक्ष में है। गिरिडीह के अफरोज अंसारी नाम का एक युवक बेंगलुरु कर्नाटका के रेस्टोरेंट में काम करता था और उसे पिछले 2 महीने से वेतन देना बंद कर दिया गया था और नौकरी से हटाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। वहीं हेल्पिंग कॉपर्स के मदद से युवक को बकाया राशि का भुगतान कराया गया। हेल्पिंग कॉपर्स ने प्रवासी मजदूर की मदद की। गिरिडीह से अफरोज अंसारी नाम का युवक बेंगलुरु कर्नाटका के एक रेस्टोरेंट में काम करता था, जिसमें उसके मालिक ने उसे पिछले 2 महीने से वेतन देना बंद कर दिया था और उसे मानसिक रूप से नौकरी से हटाने के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बाबत हेल्पिंग कॉपर्स के राज्य अध्यक्ष विशाल गंभीर ने बताया कि इसकी सूचना हेल्पिंग कॉपर्स फाउंडेशन गिरिडीह के मानव अधिकार व बाल संरक्षण के जिला कोऑर्डिनेटर जाकिर अंसारी को मिले, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर के माध्यम से तत्काल ट्वीट करके मामले की जानकारी श्रम मित्र सत्यानंद भोक्ता से साझा करते हुए इस मुद्दे पर मदद करने को कहा, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मंत्री जी ने बेंगलुरु पुलिस और झारखंड
मैग्रेंट सेल को निर्देशित किया। तत्पश्चात रेस्टोरेंट संचालक ने अफरोज को उसका पिछला सारा बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। इस पर अफरोज ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता व हेल्पिंग कॉपर्स टीम को धन्यवाद दिया है। रेस्टोरेंट मालिक द्वारा बार बार मारने पीटने की धमकी के डर के कारण लड़का काम और पैसे छोड़कर अपने भाई के पास सूरत चला गया। वहाँ से किसी तरह उसने मुझसे संपर्क किया और अपनी सारी समस्या को मुझसे बताया। समस्या को जानने के बाद मैंने इस समस्या को सोशल मीडिया के माध्यम से श्रम मंत्री आदरणीय सत्यानंद भोक्ता और मायर झारखंड को अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार आदरणीय सत्यानंद भोक्ता जी और माइग्रेंट सेल रांची का, जिनके अथक प्रयास से महीने का पैसा रेस्टोरेंट मालिक द्वारा आज मेरे खाते में भेज दिया गया। साथ ही एनजीओ हेल्पिंग कॉर्प फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जाकिर अंसारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मामले को प्रकाश में लाया और इसके लिए सोशल मीडिया के जरिए मैं आवाज़ उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद। दो दिन पूर्व गिरिडीह के अफरोज अंसारी, जो कि बेंगलोर में एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं, उनके रेस्टोरेंट मालिक द्वारा जो है पिछले दो महीने से उनको ना ही वेतन दिया जा रहा है और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था नौकरी छोड़ने को लेकर के, जिससे उन्हें खाने पीने तक की दिक्कतें हो रही थी, जिसकी जानकारी हमारे मानवाधिकार व बाल संरक्षण के जिला कोऑर्डिनेटर जाकिर अंसारी जी को हुई। और इसकी जानकारी होने के बाद जाकिर जी ने इसको सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से झारखंड के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी को इसकी जानकारी दी और मदद की गुहार लगाई। तो हेल्पिंग कॉप्स की पहल पर माननीय मंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए बेंगलोर पुलिस और माइग्रेंट सेल को पहल की बात कही, जिसके बाद पहल की गई और पुलिस द्वारा जो है उस रेस्टोरेंट संचालक को समझाया गया, जिसके बाद उन्होंने पूरे दो महीने का या जो भी उनका बकाया था अफरोज जी का, वो उनको वापस दिया गया और वो वापस से अपने नौकरी पे हैं, उन्हें कोई परेशानी अभी नहीं है। धन्यवाद। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने गुरुवार को टिकोडी समिति गांव में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कई जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया और कहा कि भाजपा लगातार आम लोगों की भलाई के लिए निरंतर कार्य कर रही है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव ने गुरुवार को टिकोडी समेत कई गांवों में सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इन्होंने राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम किया। इस दौरान सबों ने बाबूलाल मरांडी को और सुरेश राव को आशीर्वाद दिया। इस दौरान सुरेश राव ने कहा कि भाजपा लगातार गरीबों, वंचितों, दलितों और आम लोगों की भलाई के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने हेमंत सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार भ्रष्टाचार से पूरी तरह लिप्त है। श्री शाह ने कहा कि गिरिडीह विधानसभा में लोकतंत्र नहीं राजतंत्र की व्यवस्था चल रही है। यहां के झामुमो विधायक ने गिरिडीह की जनता को विश्वासघात किया, जनता उन्हें इसका जवाब जरूर देगी। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, पूर्वी मंडल अध्यक्ष राजेश गुप्ता एवं महामंत्री प्रदीप राय, अमर सिन्हा, उषा कुमारी, शालिनी वैश्यखियार सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। विनोबा भावे विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज परिसर में क्रिकेट टूर्नामेंट 2023-24 का विधिवत शुभारंभ किया गया। गिरिडीह की टीम 8 विकेट और आनंद कॉलेज हजारीबाग की टीम 160 रनों से विजयी हुई। विनोबा भावे विश्वविद्यालय इंटर कॉलेज गिरिडीह टूर्नामेंट 2023-24 का विधिवत शुभारंभ गुरुवार को गिरिडीह कॉलेज परिसर में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण संकाय प्रमुख और हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर मिथिलेश कुमार और विशिष्ट अतिथि के तौर पर उद्योगपति अमरजीत सिंह सलूजा, लंगटा बाबा कॉलेज मिर्जागंज के प्राचार्य डॉक्टर कमल नयन सिंह, जीडी बगेड़िया बीएड कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अनिल प्रसाद कुशवाहा, स्कॉलर डीएल कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर हरप्रीत कौर आदि उपस्थित थे। छात्र कल्याण संकाय प्रमुख सहित सभी सम्मानित अतिथियों ने क्रिकेट खिलाड़ियों से मिलकर हौसला अफजाई की। इस अवसर पर अवकाश प्राप्त शिक्षक
प्रोफेसर मिथिलेश कुमार, प्रोफेसर कलिंद कुमार, प्रोफेसर सीताराम बर्णवाल, डॉक्टर धनेश्वर रजक सहित कई लोग उपस्थित थे। मुख्य अतिथि डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य सहित सभी संभागों के शिक्षकों और शिक्षक केतर कर्मियों को इस आयोजन के लिए बधाई और धन्यवाद दिया। आज का मैच दो पालियों में खेला गया। पहली पाली का मैच पीजी विभावी हजारीबाग और आदर्श कॉलेज राजधनवार तथा झारखंड कॉलेज डुमरी और संत कोलंबा कॉलेज हजारीबाग के बीच हुआ, जिसमें पीजी विभावी की टीम ने 68 रन से और संत कोलंबा कॉलेज ने 4 विकेट से जीत हासिल की। द्वितीय पाली का मैच गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह और जेजे कॉलेज झुमरी तलैया तथा आनंदा कॉलेज हजारीबाग और लंगटा बाबा कॉलेज मिर्जागंज के बीच खेला गया, जिसमें गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह की टीम 8 विकेट और आनंदा कॉलेज हजारीबाग की टीम 160 रन से विजयी हुई। आयोजन सचिव डॉक्टर एम एन सिंह, उप सचिव नयन सोरेन, रिफ्रेशमेंट कमेटी के प्रोफेसर ओंकार चौधरी और प्रोफेसर बालेंदु शेखर त्रिपाठी ने पूरी व्यवस्था को संभालने में अहम भूमिका निभाई। मंच संचालन डॉक्टर बलभद्र सिंह ने किया। मौके पर प्रोफेसर सतीश कुमार यादव, प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार वर्मा, प्रोफेसर गुलाम सामदानी, प्रोफेसर राजकुमार वर्मा, प्रोफेसर विनीता कुमारी और अन्य ने कई खेल मैदान की जिम्मेदारियां संभाली। इनरवेल क्लब ऑफ ग्रेडी सनशाइन के मेंबर्स के द्वारा शताब्दी वर्ष पर बरगंडा रोड के एक आवास में कई इवेंट कराया गया। यहां स्पोर्ट्स, रोमांचक गेम, डांस एंड म्यूजिक, स्वादिष्ट व्यंजन के कटिंग के साथ साथ क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय द्वारा क्विज कॉन्सर्ट करवाया गया, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। बताया गया कि इनरविल संस्था के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे विश्व में इनरविल मेंबर्स द्वारा काफी उत्साह के साथ शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। यहां समारोह के अंत में मेंबर्स द्वारा 100 दिए जलाए गए। बताया गया कि सेवा एवं दोस्ती के उद्देश्य से यहां संस्था चलाई जा रही है और इस दौरान मेंबर्स ने यहां प्रण लेते हुए कहा कि वह लोग आगे भी इसी तरह से कर्मठ होकर के आगे बढ़ेंगे। कार्यक्रम के दौरान पेस्ट प्रेसिडेंट अर्चना कुमारी, प्रेसिडेंट सुमन गौरीसरिया, सेक्रेटरी कविता राजगरिया, वाइस प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, ट्रेजर राखी झुंझुनवाला, आईसो स्मृति आनंद, दीप्ति सिन्हा, उषा दुकनिया, स्वाति गुप्ता, पूनम शाहवादी, रिया अग्रवाल, रीता सहाय, एडवोकेट सुनीता शर्मा, एडवोकेट परमिला मेहरा, स्मिता केसरी, प्रीति सलूजा एवं अन्य कई मेंबर्स उपस्थित थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट गिरिडीह की एक बैठक गुरुवार को डुमरी में हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष इरफान अंसारी ने किया। इस बैठक में विशिष्ट अतिथि के तौर पर महिला जिला अध्यक्ष काजल कुमारी उपस्थित रही। इस दौरान डुमरी प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार जयसवाल को मनाया गया। वहीं महिला प्रखंड अध्यक्ष के लिए कुरेशा खातून को नियुक्त किया गया। इरफान अंसारी ने कहा कि डुमरी प्रखंड अध्यक्ष और महिला प्रखंड अध्यक्ष को कई जिम्मेवारी दी गई है। कहा कि पूरे प्रखंड में राष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ट्रस्ट को मजबूत कर एक एक मानव का अधिकार दिलाने का काम करेंगे। महिला जिला अध्यक्ष काजल कुमारी ने कहा कि महिलाएं अपना हक और अधिकार को समझे तभी वह अपना अधिकार ले सकती है। अधिकार लेने के लिए सभी महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। इस बैठक में महिला जिला सचिव गुड़िया कुमारी, महिला जिला कोषाध्यक्ष रीता देवी, मुस्लिम अंसारी, अमित कुमार सिंह, बजरंगी शर्मा, गायत्री कुमारी, सुरेंद्र सिंह, हैदर अंसारी, सलीम अंसारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। आज राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट प्रखंड डुमरी में एक बैठक रखी गई, जिसमें यहाँ प्रखंड अध्यक्ष और महिला प्रखंड अध्यक्ष दोनों की नियुक्ति आज की गई है। तो मैं आशा करता हूँ प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार जसवाल जी को डुमरी से बनाया गया है और महिला प्रखंड अध्यक्ष परेशा खातून को बनाया गया है। मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार सेवा ट्रस्ट को पूरा प्रखंड में मजबूत करेगी।
गिरिडीह के सभी सरकारी विद्यालयों में गुरुवार को सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां स्कूली बच्चों ने रैली निकालते हुए तथा सीटी बजाते हुए गली मोहल्लों का भ्रमण किया। इस क्रम में गांडे अंचल के ग्राम पंचायत घाटकुल अंतर्गत अपने पोषक क्षेत्र में पंचायत मुखिया अब्दुल हफीज द्वारा स्कूली बच्चों के संग सीटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ अभियान के मद्देनजर प्रभात फेरी निकाल कर स्थानीय क्षेत्र के गली मोहल्लों में भ्रमण कर जागरूकता अभियान चलाया। मालूम हो कि झारखंड सरकार द्वारा झारखंड के सभी सरकारी विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने हेतु लागू की गई। यह एक घंटा का सोशल मीडिया महाअभियान की एक अनूठी पहल है। आज के अंक में बस इतना ही, तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।